क्लास 11th का वो टाइम याद है जब आपने खुद से बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे, आपने खुद से बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट किए थे, लेकिन धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस आते गए, डाइवर्शंस आते गए और आपने अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल खो दिया और पूरा 11th बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या करें, क्या 11th के बारे में सोचते रहें और 12th बर्बाद कर दें? जी नहीं, अब पुरानी चीजें भूल जाएंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि 12th में अगर आपने शुरुआत से पढ़ना है तो मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, अब थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे, अब पुराना रिकैप करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है और ये चीज बिल्कुल डुएबल है लिमिटेड टाइम में। अगर ऑनेस्टली बात की जाए क्लास 12th की, तो क्लास 12th को पढ़ने के लिए क्लास 11th पूरा रिवाइज करना या थॉरो पढ़ना जरूरी नहीं है। कुछ टॉपिक है क्लास 11th के जो कि बेस की तरह काम करते हैं, तो बेस को तो उतना ही टाइम लगता है जितना रिक्वायर्ड है, मतलब पूरे चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ 10%। आपको जिस भी चैप्टर को पढ़ना है, जैसे कि पहला चैप्टर मैथ्स में है रिलेशन फंक्शन, तो उसका बेस होता है सेट्स का क्लास 11th का, जो कि आपको 10% टाइम लेगा, दैट्स इट। वैसे ही जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको थॉरो होने चाहिए क्लास 12th में पहुंचने से पहले। वैसे ही बात करते हैं हम कैलकुलस की, तो कैलकुलस में आपने जो क्लास 11th का डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसके फॉर्मूले और बेसिक्स अगर आपको क्लियर हैं तो क्लास 12th में भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो यही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी आपको डिमोरलाइज करे कि अगर आपने क्लास 11th पढ़ाई नहीं करी है या क्लास 11th को बर्बाद किया है तो आपका क्लास 12th बर्बाद हो जाएगा, तो ये एक सरासर झूठ है, मिथ है। जी हाँ, क्लास 11th का सिलेबस क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक बेसिक्स के बराबर है, तो उस बेसिक को क्लियर कर लीजिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दीजिए टाइम एक्स्ट्रा और आपका क्लास 12th बहुत ही आराम से निकल जाएगा। अब बात करते हैं क्लास 12th तो ठीक है, उसके बाद CUET की, NDA की या फिर IIT JEE नीट की। दोस्तों, अभी जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास ये बड़े बड़े एग्जाम आए हैं, तब से उसने एक पैटर्न सेट कर दिया है और इस बार इतने सारे एग्जाम हुए, इतने सारे डेज और इतने सारे शिफ्ट में, एक ही बात हमें क्लियर समझ में आई कि क्लास 11th का वेटेज जो है वो लगभग 35% रह गया है। मतलब मेजर पोर्शन जो है वो क्लास 12th से आने वाला है। तो अगर 65% आपका क्लास 12th से आने वाला है तो भाई फिर दिक्कत किस बात की? तो आपको अब कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि अब हमारी तैयारी करने के लिए हमें कोई भी क्लास 11th को ज्यादा फोकस नहीं करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट हमें क्लास 11th में नहीं करना है। और जब बात करते हैं CUET की, तो CUET में तो भैया पूरा सिलेबस क्लास 12th का ही है। अब क्लास 12th को अगर आपको पढ़ना है तो फिर से क्लास 11th का इतना सारा बैकअप आपको लेकर नहीं चलना है। जो बेसिक चीजें हैं वो आपके एडुकेटर हमको बताएंगे ही। जैसे कि हमारी क्लासेस में हम बात करते हैं, चाहे यूट्यूब की चाहे ऐप की, हम हमेशा से क्लास 12th में क्लास 11th के जो पुराने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो लेके चलते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं क्लास 11th में काम चोरी कर चुका है और उसको अब कोई भी पे बैक ना करना पड़े, उसको कोई कीमत ना चुकानी पड़े। इसलिए हम क्लास 12th को पूरा पोर्शन जो पढ़ाते हैं वो क्लास 11th के बेसिक्स के साथ पढ़ाते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। वैसे ही जब बात करते हैं हम NDA की या फिर हम बात करते हैं नीट की, वहां पर भी एक बहुत ही छोटा पोर्शन क्लास 11th का पूछा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि लिमिटेड टाइम पीरियड में आप चाहें तो अच्छे से, अगर आप DPP सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूले याद कर रहे हैं, तो आप पुराना बैकअप भूल के क्लास 12th की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं।